दोस्तों, क्या आप एक मोबाइल के पीछे लाइट जलने की वजह से अपना 30-35 हज़ार रुपया बर्बाद कर देंगे? क्या आप कुछ यूट्यूबर के कहने के वजह से अपना पैसा बर्बाद कर देंगे? दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नथिंग फोन वन की, जो कि इंडिया में फर्स्ट ही इसका फ़ोन है, फर्स्ट ही बार लॉन्च हुआ है, नया ही लॉन्च हुआ है। कई लोगों ने प्री ऑर्डर की वजह से ऑर्डर भी कर दिया और कई लोग ऑर्डर करने की सोच रहे हैं। तो दोस्तों, आप घबराए नहीं, आप ना खरीदे अभी पहले इस वीडियो को पूरा देख ले। ऐसे ही मैं भी उत्साहित होकर ROG 5 ले लिया था हमारे कैडी मिनाटे भैया का कहने पर, और दोस्तों मैं इतना पछताया क्या ना कुछ कहने को। तो गाइज, आप भी उत्साहित ना हो इन लोगों को देख कर कि हाँ भाई, इतना खतरनाक फ़ोन निकाल दिया यार, इतना एड भाई, इतना एड तो किसी फ़ोन का होता ही नहीं है भाई, क्या ही निकाल दिया है, लगता है समझ ही में नहीं आ रहा है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नथिंग फोन वन की कुछ बुराइयां की, जो कि आप भी सुनोगे तो आप भी कहोगे हाँ भाई, ये अभी नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, पहले हम बात करें नथिंग फोन वन, जो कि अभी न्यूली लॉन्च हुआ है। हमको इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है कि इसका UI कैसा होगा, प्रोसेसर कैसा होगा, कैमरा कैसा होगा, बैटरी बैकअप कैसा होगा, चार्जिंग बैक कितना देर में होगा, ये सब हमको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। हम बिल्कुल भी इसमें नए हैं, बिगिनर हैं, हमको इसके बारे में थोड़ा सा भी जानकारी नहीं है। दोस्तों, क्यों खरीदे जब जानकारी इसके बारे में नहीं है? क्या पता ये हमको दिक्कत कर दे। ROG 5, Poco X3 Pro, बहुत सारे ऐसा फ़ोन है इंडिया में बना हुआ है जो कि चुतिया फ़ोन है, इसको नहीं खरीदना चाहिए। मैं खुद खरीद कर पछता रहा हूँ। तो दोस्तों, क्या पता ऐसा ये भी कर दे, मदरबोर्ड डेड हो जाए, अच्छे से इसका सर्विस ना मिले, सर्विस सेंटर पता नहीं कहाँ है, कहाँ नहीं बनाया गया। जैसे वीवो ओप्पो वाले सुनने में आ रहा है कि मिल जाएगा सर्विस सेंटर में, पता नहीं वहाँ पर जाने के बाद से इसको ले या तो फिर नहीं ले, क्योंकि ROG 5 बहुत सारे सर्विस सेंटर है जो कि नहीं लेते हैं। मैं आपको थोड़ा बहुत उदाहरण दे रहा हूँ, ROG 5 बहुत सारे सर्विस सेंटर नहीं लेते हैं, वैसे ही हम नथिंग फोन वन ले जाए तो वहाँ पे वो लोग नहीं ले, ऐसा भी हो सकता है। तो दोस्तों, हम इसको कहाँ बनवाएंगे यार, कहाँ खुलवाएंगे? लोकल मार्केट में इसको खुलवा नहीं सकते, क्योंकि न्यूली फोन है तो इसका कोई हमको सामान देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ा सा गिर के फूट गया टच डिस्प्ले, तो हम इसको कहाँ एक्सचेंज करवाएंगे? दोस्तों, ये हमारे लिए दिक्कत हो सकती है। दोस्तों, दूसरी बात कहे, इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। दोस्तों, प्राइस की भी मैं आपको लाइव बता दूं बात, यहाँ पर यदि आप लेते हैं 8 + 128 GB तो ये आपको पड़ जाता है 31,999 रुपया। ये सिर्फ आपको चुतिया बनाने के लिए लिखा जाता है, क्योंकि दोस्तों 1 रुपया की वजह से आप 31,000 इसको बोलते हैं, लेकिन दोस्तों 1 रुपया की वजह से आपको 32,000 बोलना चाहिए। तो दोस्तों, यहीं पर 31,000 नहीं बल्कि 32,000 का ये फ़ोन हमको दिखाई दे देता है। दोस्तों, वहीं पे अगर 256 GB स्टोरेज और 8 GB वाला लेते हैं तो ये आपको पड़ जाता है 35,000 की, और 256 प्लस आप 12 GB रैम वाले ले लेते हैं तो ये आपको पड़ जाता है पूरे के पूरे 38,000। और दोस्तों, वहीं पे यदि आप, चलिए इतना ही इसका मॉडल है जो कि मैं आपको बता दिया हूँ। दोस्तों, चलिए अब मैं अब इसका कुछ बुराई आपको बता दूँ। दोस्तों, यहाँ पर प्रोसेसर दिया गया है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G+ 778G+। अब आप कहोगे भाई 778G तो था, प्लस लगा दिया यार इसमें, कसी जहर हम आसमान में चले जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा नहीं होने वाला है भाई। प्लस से कोई ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है। 778G+ ऐसा मतलब प्रोसेसर कोई ज़्यादा खास आपके लिए नहीं हो सकता है। 20-25 हज़ार का ऑर्डर में ऐसा प्रोसेसर एक्सपीरियंस आपको मिल सकता है बहुत सारे फ़ोनों में, तो आप इसका टेंशन छोड़ दीजिए कि आप प्रोसेसर एकदम अच्छा आपको हाई वाला मिल गया है, आप मौज ही कर दोगे, ऐसा बिल्कुल ही नहीं होने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर बात करें बैटरी की, बैटरी 4500 mAh के दिया गया है। दोस्तों, आजकल नॉर्मल फ़ोन में भी 5000-6000 दिया जा रहा है, इसमें 4500 mAh के दिया गया है। क्या ही बना दिया गया है, मतलब 4500 mAh क्या है भाई? मानदाऊ फ्लेक्सी फ़ोन में कम यहाँ पर बैटरी लगाई जाती है, थोड़ा सा हल्का वगैरह हो जाए, थोड़ा अच्छा दिखने में लगे, लेकिन यार इतना ही क्या भाई, 5000 mAh दे देते भाई, 5200 mAh दे देते, क्या पता इसका चार्ज ही ना टिके, न्यू फ़ोन है तो भाई क्या पता। दोस्तों, अभी बात करें चार्जिंग, जो इसका चार्जर है उसकी 33 वाट, साइड में 33 ही वाट है। दोस्तों, इसका चार्जर 33 वाट की दी गई है। तो गाइस, जब आप बताओ कि 33 वाट का चार्जर आजकल नॉर्मल फ़ोन में भी, ये फ्लेक्सी फ़ोन होते हुए भी 33 वाट की, और फ़ोन में आप देखेंगे तो आपको वहाँ पे चार्जर दी जाएगा 67 वाट, 120 वाट, इससे कम वाले रेंज में भी 120 वाट। भाई आप समझो फल यार, क्या ही मतलब हमको फ़ायदा मिल गई भाई, हम इतने पैसे लगा रहे हैं तो क्या ही फ़ायदा मिल गई, क्या बना दिए हो भाई। दोस्तों, अभी हम बात करें इसकी, अब आपने चार्जिंग वगैरह देख लिया, कैमरा की बात करें 50+50 MP का बैक कैमरा दिया है। भाई अब आप बताओ, 50+50 MP का दिया है, हमने इसको कैमरा को जांच नहीं किया, देखा नहीं, ये कुछ यूट्यूबर को हमने यूट्यूब पर वीडियो देखा कि अच्छा कैमरा आ रहा है, तो दोस्तों इससे हम मान लें कि भाई अच्छा कैमरा आ रहा है, यार ये तो बकचोदी वाली बात हो गई गाइज। तो कैमरा को आप जज नहीं कर सकते, ऐसे मैं इसको अच्छा या बुरा नहीं कर सकता। दोस्तों, नथिंग फोन वन की मुझको एक और बहुत ही ज़्यादा घटिया सिस्टम लगी। दोस्तों, आप इसमें ईयरफोन को ही नहीं लगा सकते, 3.5 mm का ऑडियो जैक ही नहीं दिया गया है, आप कहाँ पर ठूसोगे ईयरफोन को लगा ही नहीं सकते हो।
इसके लिए दोस्तों आपको लेना होगा इसका एयरबड, समझ सकते हो, नथिंग का जो एयरबड है उसको लेना, कान में ठूसने के लिए 6000 पैसा बर्बाद करना होगा, तब जाके आप सुन पाओगे गाना उन्हें ईयरफोन से, फैमिली के सामने अपना प्राइवेसी हाइड कर पाओगे। अब समझो यार, ये एप्पल का दिमाग लगा रहा है अपने में, मतलब कि हमको ये अपना अपना आरा धराता जाएगा, कभी ईयरफोन का धराएगा, कभी चार्जर का धराएगा, जैसे ईयरफोन का आप एक चीज़ लोगे तो दूसरा चीज़ लेना पड़ेगा तभी ये काम करेगा, वैसे ही ये आदत अपना धरा देगा। तो दोस्तों इससे हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी दोस्तों, इसलिए अभी इसका ना ले, क्योंकि दोस्तों 50 ROG 5 में यार दे दिया है भाई ईयरफोन, तुमको भाई देने में क्या जाती थी भाई, ईयरफोन निकाल दिया सिर्फ दिमाग लगाने के लिए कि इसका जो ईयरबड है वो बिके हैं। तो दोस्तों ये भी आप इसका दिमाग आप देख सकते हैं दोस्तों। अभी इसकी बात करें प्राइस क्यों इतना ज़्यादा है, दोस्तों प्राइस इसकी ज़्यादा होने की वजह है इसका एड, इसने अपना इतना ज़्यादा एड करवा लिया है, इतना ज़्यादा अपना नाम करवा लिया है कुछ यूट्यूबर को पैसे देकर कि गाइस कुछ कह नहीं सकते, लोग इसको खरीदने को उतावले हो गए, समझते हैं कि इसी में ज़िंदगी है, पीछे कुछ बत्तियाँ जल रही है जिससे हमारी ज़िंदगी है भाई, हम इसको खरीद ले हमारे लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है। तो गाइस इस पे ना बढ़े यार, अपना पैसा बर्बाद ना करे गाइस, न्यू फ़ोन है, कम से कम मार्केट में इसका दूसरा वर्जन आने दीजिए, 6 से 7 महीने चलने दीजिए, 1-1.5 साल चलने दीजिए, अच्छा इसका सर्विस देखिए लोगों को कैसा मिल रहा है, लोगों का रिस्पॉन्स देखिए 3-4 महीने बाद से कैसा मिलता है, तब इसको खरीदे यार, ऐसे न्यूली आप उतावले होकर ना खरीदे। बहुत से लोगों ने ROG 5 उतावले होकर खरीदे थे और दोस्तों उन्होंने अपना रोते रोते दुखड़ा सुनाया था, ऐसे ही मैंने भी सुनाया था और मैं आज भी रो रहा हूँ ROG 5 लेकर। ऐसे ही दोस्तों अभी Nothing Phone 1 लेकर रोएंगे, आप टेंशन ना ले दोस्तों, यदि आप ले रहे हैं तो इस बात को भूलिए कि आप नहीं रोएंगे, रोएंगे जरूर रोएंगे, क्योंकि दोस्तों अच्छे से कुछ भी कस्टमाइज इस फ़ोन में नहीं हुआ होगा मुझे जहाँ तक उम्मीद है। कुछ यूट्यूबरों मतलब बहुत से यूट्यूबरों को इसने बहुत सारा पैसा दिया जिसको वजह से एड करवाया, अपना इतना ज़्यादा नाम कमवाया दोस्तों, ये तो आप समझ सकते हैं कितने दिन से इसका नाम हो रहा है मार्केट में, Nothing Phone 1 अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है यार, इससे अच्छा आप दूसरे फ़ोन की तरफ बढ़ जाइए यार, बहुत सारे फ़ोन मार्केट में पड़ी हुई है इससे अच्छी अच्छी इससे कम दामों में, ना बढ़े भाई इसके तरफ ना बढ़े भाई, मैं इसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा खरीदने को, बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा खरीदने को, आप इसको ना खरीदें दोस्तों। यही चीज़ के बारे में कुछ जानकारी यदि हमारे पास कहीं से फ़ोन आ जाती है तो हम उसका रिव्यू जरूर ही लाएंगे, आप इसका टेंशन छोड़ दीजिए, हम इसको खरीद कर रिव्यू नहीं करने वाले हैं गाइस, टेंशन ना ले, हम इसको खरीद कर नहीं रिव्यू करने वाले हैं, हम जरूर कहीं से लाकर इसका रिव्यू आपके लिए लाएंगे दोस्तों। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ऐसे ही मेरे चैनल पर वीडियो मिलती रहेगी। तो गाइस चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।